हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पंडित। एंड मैं हॉस्पिटल से तो डिस्चार्ज होके आ गई थी। आज है 7th डे सिंस आवर बेबी बॉर्न। एंड आज बेबी तो एकदम बहुत खुश मिजाज में है, स्माइल पे स्माइल दे रहा है। एंड आप लोगों को तो अभी तक नहीं पता कि हमारे बेबी का जेंडर क्या है, तो इस व्लॉग में हम वही रिवील करेंगे। व्लॉग देखते रहिए पूरा तक एंड पता चल जाएगा आपको कि हमारा बेबी मतलब बेटा है या बेटी है हमारा। और आज तो बहुत क्लाउडी वेदर है, एकदम से धूप तो उठ ही नहीं रहा है। जब से मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई हूँ, बहुत गर्मी है, मतलब गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, लेकिन क्लाउडी हो जाता है एंड शाम को बहुत बारिश होती है, कोई धूप वगैरह कुछ नहीं उठता। तो इसीलिए आज भी धूप नहीं है एकदम। आप देख सकते हैं कि मेरा फेस भी उतना ब्राइट नहीं लग रहा है क्योंकि धूप नहीं है और किरणें भी उतने नहीं आ रहे हैं। और मेरे हाथ में बेबी है जो मैं आप लोगों को अभी तो फेस तो नहीं दिखाई, लेकिन वो भी दिखा देंगे। बेबी का फेस रिवील होगा जेंडर रिवील के बाद एंड उसके बाद हम नाम भी रिवील करेंगे। नाम अभी तक तो डिसाइड नहीं किए हैं और किए हैं बोल भी सकते हैं, पता नहीं, अभी भी कंफ्यूजन है, लेकिन वो भी हो जाएगा। कल बेबी का 6th डे था तो उसमें थोड़ा बहुत मतलब बेबी को थोड़ा नहलाए नहीं, मतलब वॉश किए, क्योंकि नहलाना अभी मना है 10-15 दिन तक डॉक्टर ने बोले हैं। तो बस थोड़ा सा स्पॉन्ज वॉश, स्पॉन्ज बाथ दिए मेरी माँ एंड थोड़ा सा घर में पूजा वगैरह हुआ था, यू नो, लड्डू वड्डू भगवान को चढ़ाया गया था, सब कुछ ये सब हुआ था कल। और आज है 7th डे तो बेबी आराम से सो रहे, तो बेबी एकदम आराम से स्लीपिंग। और आपको एक चीज दिखाती हूँ, जस्ट लुक एट दिस टाइनी फीट, एकदम खाना खाके आराम जब कोई करता है तो ऐसा ही फीट दिखता है। एंड साउंड क्या हुआ, पॉटी हुआ, सबके सामने पॉटी हो रहा है यहाँ पे, छी 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 छी, इसने पॉटी कर दिया गाइस, मुझे पता नहीं था कि पॉटी कर देगा। तो क्या हुआ, पेट खराब है? पेट खराब होने के जैसा तो मैं कुछ की नहीं हूं, मैं तो एकदम अच्छा खाना ही खाती हूँ। बहुत ही क्या बोले, शांत है, बहुत ही शांत बच्चा है अभी तक तो, लेकिन पता नहीं बाद में क्या होगा, क्योंकि मैं और मिस्टर पंडित दोनों ही शांत एकदम ही नहीं थे। तो शायद बाद में जो शांतपन है जो मतलब इसका, वो शायद चेंज हो जाएगा। आप पीछे देख सकते हैं इसका बेडिंग वगैरह है एंड पीछे सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है हमारा, जैसे जो भी इंटीरियर था सब, तो इंटीरियर का अभी कुछ सोचते ही नहीं है क्योंकि सारा ध्यान इसी छोटे जो मेहमान है हमारा उसी के ऊपर ध्यान नो लगा रहता है। तो व्लॉग देखते रहिए, आप लोगों के साथ सारा मूवमेंट जो है मैं शेयर करूंगी एंड मैं बहुत खुश हूँ गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, इतना सारा ब्लेसिंग हमें मिला कि हम क्या बोले, हम बहुत 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 खुश नसीब है कि आप लोग हमारे फैमिली के साथ जुड़ गए हो। द मिस्टर मिसेस पंडित फैमिली इज वेरी बिग नाउ एंड वी आर सुपर प्राउड अबाउट दिस। हेलो गाइस, अगेन आई एम बैक। अभी जस्ट बेबी को फिट करा के उठी हूँ एंड बहुत ज़्यादा टायर्ड लगता है इन दिनों। एंड एक चीज़ मैं नोटिस की हूँ कि फिट कराते टाइम बहुत प्यास लगता है, पता नहीं ये आप लोगों के साथ भी होता है या नहीं, बट ये होता है। डॉक्टर मुझे बोला था कि फिट कराने टाइम मिल्क पीजिए एंड मतलब काम पोजीशन पे रहिए ऐसा। तो काम पोजीशन पे तो घर पे तो उतना शोर शराबा नहीं है, लेकिन हाँ दूध मैं पीती नहीं हूँ हमेशा, एक टाइम या दो टाइम ही पीती हूँ, बट पानी का प्यास मुझे बहुत लगता है, ये हो रहा है। एंड भूख जैसा लगता था पहले, ऐसा भूख उतना ज़्यादा मतलब टॉलरेट नहीं करने जैसा ऐसा टाइप का तो नहीं है, लेकिन भूख अभी भी वैसा ही लगता है। खाना वाना सब ठीक ही चल रहा है, मेरा तबीयत एकदम ठीक है। बहुत लोग मेरा तबीयत के बारे में पूछे थे कि मैं कैसी हूँ, हाउ आई एम डूइंग एक्सलेंट, बिकॉज नया मेम्बर घर पर आया है एंड उसी के साथ समय बीत जाता है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ, भगवान का दया मेरे ऊपर, कृपा दृष्टि मेरे ऊपर है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ भगवान के ऊपर, आप लोगों के ऊपर, क्योंकि आप लोग भी बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ब्लेसिंग दिए मुझे और मिस्टर पंडित जी को। ये है मिस्टर पंडित द फादर एंड फादर का शक्ल देखिए, मतलब पूरा पूरी एकदम लेजी मोड में चले गए हैं, पहले से ही लेजी है ये, बट अभी तो लेजीएस्ट। पेरेंटल लीव में हूँ तो
मैं आराम भी तो करने का। मैटरनिटी लीव में हूँ, मुझे देखो कितना एक्टिव हूँ। उससे ज्यादा तुम्हें ही एक्टिव रहना पड़ेगा, क्यों? बेबी को तुम्हें ही जरूरत है, और बेबी को राइट? मेरा जरूरत है, मुझसे लेकिन ज्यादा। लेकिन फिर भी पापा का भी तो जरूरत है ना, हाँ पापा पापा को हो। तुम्हें सपोर्ट देता हूँ ना लेकिन मैं। हाँ, हाँ तुम्हें सपोर्ट देता हूँ। एक तो बात है कि मिस्टर पंडित अभी कुछ ज्यादा ही एक्टिव बन गए। मतलब एक्टिव मीन्स वैसा टाइप का एक्टिव नहीं, जो भी मैं बोल रही हूँ कि जाओ जाके खरीद के लेके आओ, पूरा एकदम दौड़ दौड़ के। और मैं जब मेरे लिए कुछ मांगती थी पहले कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये घर पे ये नहीं है, मुझे ये अभी अर्जेंट चाहिए, नहीं अभी तो बारिश हो रही है, अभी नहीं मेरा कमर में दर्द तो देखो, है, तुम्हारे लिए वेट हो अभी सकता है, बाइक मेरा स्टार्ट बेबी नहीं के लिए कैसे होगा। वेट हो सकता है बताओ? हाँ बेबी के क्यों? लिए तो अगर बाइक भी अगर नहीं चलाई तो दौड़ करके जा करके लेकर के आना पड़ेगा। हाँ अच्छा, तो बेबी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन गया ना। बेबी तो खुद से कुछ करने लायक नहीं है अभी, राइट? वो पूरा ध्यान हम खुद दोनों को ही से रखना है उसका। राइट खुद अच्छा से तो बेबी। थोड़ा बोल दो कि मैं कितना रात जागती हूँ अभी ऑलरेडी, ये हाँ थोड़ा अप्रिशिएट तो करो। हाँ बहुत मतलब जागना पड़ता है, राइट है? मदर बहुत है तो बेबी हमेशा मदर को ही ज़्यादा खोजते हैं लोग, राइट है? तो बहुत ज़रूरत ये है। और बच्चे तुम लोग बहुत, मैं सोची नहीं थी कि ये बच्चे लोग इतना ज्यादा, मतलब क्या बोले, नाक में दम करने जैसे हैं। अभी ये 7 दिन के हैं, ये जो हमारा बेबी है, 7 दिन में 700 सात कांड दिन में कर सात सौ चुके कांड हो गया है। एंड रात ना। भर तो मेरा, कल तो पूरा मैं रात भर जागी हूँ, एंड हाँ आज भी शायद नाइट ड्यूटी देना पड़ेगा। और और यहाँ मैं पे मुझे ये तो मतलब है, हॉस्पिटल में ड्यूटी देते 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 मुझे ठंड लग गई ठंड थी, लग गया तो सीरियसली। मतलब मैं यही आवाज़ अभी बहुत भी हेवी डिफिकल्ट है। है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। एंड आप डराओ लोगों मत को सबको। नहीं, बट डिफिकल्ट है, बट वो डिफिकल्टी आप भूल जाओगे, ये भी एकदम हाँ श्योरिटी है। यहाँ पे राइट बेबी है, ओके, स्लीपिंग स्लीपिंग मोड ऑन है स्लीपिंग अभी। मोड ऑन है। और ये इसके नीचे है तो ये मैं उठाऊंगी नहीं, क्योंकि किरने आ रहे हैं और फेस रिवील तो अभी तक हुआ नहीं है। देखिए मिस्टर पंडित अभी क्या करने में लगे हुए हैं, मतलब हॉस्पिटल से आए नहीं तो इनका ये शुरू रहा हो गया। नंदू चिकन, नंदू ठीक चिकन। है? इसको एक ग्रिल आता है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। राइट? एक ग्रिल आता है और उधर देखो अभी डाल दिया हूँ अंदर में, अब अच्छा, इसे पकाना है। इसको पकाना है और इसको खाना है, मतलब बेटू आने की खुशी में एकदम पागल हो गया है कोई पापा, यस, न्यू थोड़ा पागल पापा। होना चाहिए, राइट? पागल होना चाहिए मतलब तुम तो पहले से ही, मतलब जिस दिन हॉस्पिटल में जाने वाले थे उससे पहले दिन भी खाए थे, तुम्हारा हाँ बस चले तो एक दिन भी नहीं रोके रोकोगे। ये बहुत हाँ अच्छा है एक्चुअली, बाय द वे गाइस, ये कोई मतलब नंदू उसके तरफ ये से बहुत कोई अच्छा है, स्पॉन्सर्ड नहीं ये है, बट हमें बहुत अच्छा लगा था ये वाला चीज़। इसमें सेसमी चिली चिकन विंग्स इसका नाम है, और इसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, और राइट, दूसरा ये बनाना तंदूरी का, टाइप का फ्लेवर है। और ये ये है यमी इसका चिकन नगेट्स। बाय द वे मैं ये सब नहीं खाने वाली, क्योंकि मैं अभी भी रिकवरिंग फेज में हूँ, राइट? तुम्हें नहीं खाना चाहिए ये मैं सब, नहीं तुम खाऊंगी तो सब लोग आके मुझे गाली देने लगेंगे। मैं खाऊंगा। हाँ तो घर पे अभी लोग हैं बहुत सारे, एंड सब आते जा रहे हैं मतलब बेटू से मिलने के लिए, हमारे बेटू से, तो इसीलिए हम ये सब प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, मतलब मैं नहीं, ये बंदे बंदा, ग्रेट ओके। मास्टर सेफ। हाँ तो अभी कितना टाइम लगेगा इसमें? अभी ये 20-25 मिनट्स लगेगा, ट्वेंटी इसको ट्वेंटी डाल फाइव देता हूँ, ठीक मिनट्स है? ठीक है, डाल दो। और वो साथ ही साथ वो भी करने शुरू, बैठा ही दो। हाँ, उसके लिए माँ को बुलाता हूँ। हाँ अभी चलो यहाँ माँ, नहीं, जल्दी जल्दी, क्या ना ऐटा होते टाइम लगबे, इट विल टेक टाइम। यस পড়তে বলেছি আমি আমি বলছি দেখানোর জন্য ডাকছি। এটা কি এরকম রেডিমেড ছিল? হ্যাঁ এরকম ম্যারিনেটেড ছিল, ম্যারিনেটেড হয়ে গেল। এবার আচ্ছা, ইসকো বাদ হাম ইসকো বন্ধ এটা করেঙ্গে, বন্ধ করে দিল, ঠিক হ্যায় এবার অন। এটা হবে অন। अब कितना टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है, इसके लिए 200 200 डाल दिया। और कहाँ कहाँ होगा, अप एंड डाउन बोथ साइड से, और कितने मिनट के लिए? अभी फिलहाल अप्रोक्स 20 मिनट बीस के लिए मिनट के लिए डाल दिया डाल दो, हूँ। এটা গ্রিলার আগেও করেছি। सो ये देखिए मिसेज पंडित भी स्टार्ट हुए अपना कलाकारी दिखाने के लिए, मेरे बहुत पेन हो रहा है स्टिच में, फिर भी ये सब काम छोड़ नहीं रही है। क्योंकि माँ को आप पता नहीं। हेलो, क्या कर रहे ये हो? अपने पूरे नाखून से फेस में स्क्रैच कर लेगा अभी। क्यों ऐसा कर रहा है बेबे? और सो गाइस आई एम एंजॉयिंग विथ माय बेबी। बेबी अभी फुल है,
फिर भी उंगली सक करना पता नहीं ये बच्चे लोगों का हैबिट है क्या, मुझे पता नहीं पता नहीं चल रहा है एक्चुअली। अभी न्यू पेरेंट्स है, कुछ एग्रेसिव समझ भी ही नहीं है, कभी तो। कुछ भी समझ नहीं आता है। लेकिन मिस्टर पंडित इज बिजी, दिस इज बेबी साउंड, मिस्टर पंडित इज बिजी प्लेइंग विथ हिज बेबी। क्या हुआ, भूख लग गई फिर से? लग रहा फिर से भूख लग गई। मैं पिलाते पिलाते थक जा रही हूँ, ये खाते खाते थकने का नाम नहीं है इसका। थोड़ा देर बाद इसे भूख लग ही जा रहा है हाँ, ना। ये हाथों को एग्रेसिव भी कैसे खा रहे हैं। अच्छा कैसा लग रहा है तुमको, कैसा मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। लाइफ, ऐसे जो लाइफ मतलब तुम अभी एंजॉय कर रहे हो, ऐसा लाइफ तुम एक्सपेक्ट किए थे? क्या नहीं ऐसा मतलब एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ये इट्स सोचे लाइक थे? अ ब्लेसिंग राइट। इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, यस यस हैविंग अ डेफिनेटली। बेबी एंड एंजॉयिंग विथ योर बेबी ग्रोइंग विथ योर बेबी सीरियसली ग्रोइंग एंड लर्निंग थिंग्स विथ योर बेबी अलोंग विथ राइट। योर बेबी, क्योंकि बेबी भी यस सीखता है और माँ बाप भी सीखता है कहीं ना राइट। कहीं, बहुत जगह सीखते हैं ना कि बेबी को कैसे ग्रो करवाना है वो ग्रो भी सीखते करवाना हैं। है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आप धीरे धीरे फील हो रहा है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता जा रहा है। इतना रेस्पॉन्सिबल हम हो रहे हैं बहुत कैसे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे बिट्टू। रेस्पॉन्सिबिलिटी एकदम सब हो जाता है। भगवान जब मतलब देता है ना, तो भगवान सिखा भी देता है कि उस चीज को कैसे मेंटेन करना पड़ता है, कैसे उस चीज का वैल्यू देना पड़ता है। राइट। करेक्ट। तो गाइस फाइनली अभी हम जेंडर रिवील करेंगे हमारे बेटू का। और बेबी रिवील करने नहीं दे रहा है। हाँ, ये बहुत क्रैंकी हो बहुत ज्यादा गया आज क्रैंकी है, बहुत। और आज कुछ ज्यादा लग रहा है। कल रात से शुरू हुआ है इसका, सुबह हाँ पूरा सुबह वो मतलब बेबी अच्छे से सोया सुई है, बट आज अभी शुरू हो गया, रात हो रहा है ना इसीलिए। तो मेरा ओके शक्ल ही आप देख सकते हो, कितना टायर्ड ऑलरेडी हो गई हूँ, और रात भर भी मुझे ऐसे नाइट ड्यूटी देना है। यस उफ। सो फाइनली आप लोग को शायद पता यस चल गया है कि बेबी का जेंडर क्या है, क्योंकि जो ब्लैंकेट था उसमें ऑलरेडी कलर से ही आप लोग को शायद पता चल गया होगा कि क्या जेंडर और बहुत है। सारे लोग हमारे फेसबुक का जो पेज है वहां पे भी कमेंट भी हाँ, कर दिए जो रिलेटिव वगैरह और थे। जो हाँ, एंड ओ ऑलरेडी पोल में भी बोल चुके हैं कि मतलब सबसे ज्यादा जिसका वोट मिला पोल में क्या वो किसका सबसे ज्यादा वोट था कुछ आई गेस 1 month पहले हम पोल वो दिए थे तो उसमें सबसे ज्यादा वोट किस पे था। किस पे था, वही सो हमारा बेबी का जेंडर ये राइट है। है। तो सो वी आर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल अ अ बेबी क्यूट लिटिल गर्ल। एंजल यस, तो अभी ये है एंड हमारा सी इज माई बेबी। प्रिंसेस। हाँ यस, शी इज आवर प्रिंसेस, नॉट यस योर ओनली, शी इज यस आवर प्रिंसेस, वी लव हर सो यू मच, प्रिंसेस राइट शी बेबी इज आवर लाइफ लाइन। राइट। एंड अभी तो जेंडर रिवील कर दिया, लेकिन फेस रिवील अभी बहुत जल्द करेंगे, नेम रिवील भी करेंगे, नेक्स्ट एंड वीडियो में हम फेस रिवील करने वाले हैं। सो जरूर। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल और आगे देखिए और इस लिटिल बेबी प्रिंसेस के साथ हम क्या क्या करते क्या क्या करते हैं सारा हैं इनका, इसका रूटीन, इस जो भी ये करता है करती है हमारे साथ, हम राइट कैसा मतलब यू नो फील करते हैं, व्लॉग्स के द्वारा आप लोगों को दिखाएंगे। क्योंकि राइट हमारा बहुत अच्छा, मुझे मतलब ये हमारा एक सपना था कि हम ऐसा व्लॉग के द्वारा दिखाएंगे जैसे दूसरे यूट्यूबर्स लोग करते हैं, हम बहुत यस एंजॉय करते हैं देखने में, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली एंड हम भी इंस्पायर्ड हुए हैं उनके वीडियो से ही। ओके ओके, हो गया हो गया। तो तो ओके ओके बस हम ये रहा आज का भी वीडियो हम गाइस, अभी खत्म करते हैं क्योंकि ये बहुत क्रैंकी है, अभी मुझे यस इसको देखना है। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सब अच्छे से रहो। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस ऑलवेज, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी, एंड जल्दी मिलते हैं, बाय।